हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं मानस विश्वाल आप सबको स्वागत करता हूं इस वीडियो पे। तो आज का इस वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू पर मैंने बनाया है, जो कि बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन में डालता है कि को जब एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करवा रहे हैं अपने आप को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, तो कौन से एग्ज़ाम के लिए उन्हें प्रिपेयर करवाना सही होगा। जैसे कोई बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करवाएं, या एसएससी के लिए, या रेलवे के लिए, या सारे बैंकिंग एसएससी रेलवे हर एक एग्ज़ाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर करवाएं, क्या उनके लिए सही होगा कि सारे एग्ज़ाम को एक साथ प्रिपेयर करवाएं, या कोई एक ही एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करवाएं। तो इस सवाल का जो आपको आंसर चाहिए, उसके लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना होगा। मैं यहाँ पे बताऊँगा कि आपको कैसे डिसीजन लेना होगा कि आपको कौन से एग्ज़ाम के लिए आपको प्रिपेयर करवाना चाहिए। तो उससे पहले मैं ये ज़रूर बता दूँ कि जो बच्चों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो ज़रूर कर लें, एंड जो बेल का आइकन है वहाँ पे नोटिफिकेशन के लिए वहाँ पे ज़रूर क्लिक करें, ताकि आपको मालूम चल सके कि मैं कब अपना यह वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। एंड और एक बहुत ही ज़रूरी सूचना ये कि मैं ऑन अकेडमी पे लाइव आ रहा हूँ, तो वहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं एंड मेरा वीडियो देख सकते हैं। मैथमेटिक्स के लिए आप वहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं एंड अपने आप को ठीक से प्रिपेयर करवा सकते हैं एग्ज़ाम के लिए। तो हमें डिसीजन लेने से पहले आपको ये सारे पांच चीज़ें आपको ध्यान से देखने होंगे। तो ये सारे चीज़ें वहाँ को हम ध्यान से देखने के बाद फिर हम डिसाइड करेंगे कि कौन से स्टूडेंट को कौन से एग्ज़ाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर करवाना चाहिए। तो पहला इसमें ये है कि जॉब सेक्टर, कोई भी एग्ज़ाम जब हम दे रहे हैं, क्रैक कर रहे हैं, तो हम कहाँ पर जॉब करेंगे, ये हमें ज़रूरी है जानना कि हम कहाँ पर जॉब करने वाले हैं। तो दूसरा चीज़ ये है कि सिलेबस कंपैरिजन, कि हमारा जो एग्ज़ाम रेलवे बैंकिंग एसएससी का है, उनका सिलेबस का कंपैरिजन क्या क्या है, कहाँ पे कौन सा सिलेबस है, किस तरह का सब्जेक्ट्स आते हैं, तो उसके बारे में भी आपको जानना ज़रूरी है। और तीसरा ये है कि आपका एग्ज़ाम पैटर्न्स, एग्ज़ाम किस पैटर्न से बनते हैं, तो उसको भी ध्यान में रखने के बाद ही आप डिसाइड करेंगे कि मुझे कौन सा एग्ज़ाम चूज़ करना चाहिए, कौन से एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करवाना चाहिए। एंड फोर्थ में आ जाएगा वैकेंसी पर ईयर, कितने पोस्ट कहाँ पे पर ईयर निकलते हैं इन एवरेज, तो ये भी हम 2-3 साल का पहले का हम कंपेयर करेंगे कि कौन से साल में कौन से एग्ज़ाम में कितने वैकेंसीज आ रहे थे, तो उसको भी कंपेयर करेंगे, उसके हिसाब से भी आप डिसाइड कर सकते हैं। और एक होता है कि फाइनल जो होता है सैलरी एंड पोस्टिंग, आपको सैलरी कितना मिलेगा एंड कहाँ कहाँ पर पोस्टिंग्स मिलेंगे उसके बारे में। तो ये पाँच इशू को ही हम डिसाइड करेंगे, इसके बेस्ट ही डिसाइड करेंगे कि आपको कौन से एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करवाना चाहिए। तो पहले हम शुरू कर लेते हैं कि जॉब सेक्टर। तो पहले हमारा जो तीन एग्ज़ाम है, हमें मालूम है कि एक बैंकिंग एग्ज़ाम है और एक एसएससी रेलवे है। तो आप एक काम कीजिए, पहले ये जान लीजिए कि बैंकिंग का सिलेबस जो है एसएससी एंड रेलवे का एक ही सिलेबस है एंड बैंकिंग का एक ही सिलेबस है, मोस्टली 70% सिलेबस सेम है। उससे पहले मैं ये बता दूँ, जॉब सेक्टर जब आप बैंकिंग के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करवा रहे हैं, तो आप जो भी एग्ज़ाम देंगे बैंकिंग के सिलेबस में आप बहुत सारे एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो कहाँ कहाँ पर आप जॉब करेंगे, ना पहला चीज़ आप बैंक्स में काम करेंगे। तो बैंक्स कितने कितने होते हैं, किस टाइप के बैंक्स होते हैं, तो पहला ये होता है कि हमारे 12 नेशनलाइज्ड बैंक्स होते हैं, जो कि आपको मालूम होगा पंजाब नेशनल बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, इंडियन ओवरसीज बैंक हो गया, कनाडा बैंक हो गया, यूनियन बैंक हो गया। इस तरह से 12 बैंक्स हैं जहां पे आपका एक कॉमन एग्जाम होता है आईबीपीएस के थ्रू। तो वहां पे भी आप एग्जाम क्रैक करने के बाद इसी 12 बैंक में से कहीं पे भी आप जॉब कर सकते हैं। फिर दूसरा आ जाएगा आपका SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वहाँ पे भी आप कुछ वैकेंसीज आएंगे, उनका कुछ अलग एग्ज़ाम होगा, वहाँ पे भी आप एग्ज़ाम देके वहाँ पे भी जॉब कर सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। तीसरा आ जाएगा RRB, जो कि रीजनल रूरल बैंक्स है, तो वहाँ पे भी आप एग्ज़ाम देके वहाँ पे भी बैंक्स में जॉब कर सकते हैं। फोर्थ में आ जाएगा IPPB, तो इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक, वहाँ पे भी कुछ वैकेंसीज निकलते हैं, तो वहाँ पे भी आप जॉब कर सकते हैं। तो इसके बाद बैंकिंग के बाद बैंकिंग सिलेबस में और एक पार्ट आ जाता है इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस मतलब आपको मालूम ही होगा लाइफ इंश्योरेंस के बारे में, जो कि LIC, तो LIC के बहुत सारे वैकेंसी आते हैं, तो LIC का जो एग्ज़ाम होते हैं उनका भी सिलेबस पूरा बैंकिंग एग्ज़ाम के सिलेबस के साथ साथ इक्वल ही है, तो वहाँ पे भी आप LIC में ऑफिस में काम कर सकते हैं। तो उसके साथ साथ और भी कुछ इंश्योरेंस कंपनी गवर्नमेंट के भी हैं, जैसे कि आपका हो गया नेशनल इंश्योरेंस, यूनाइटेड इंश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस, इस तरह के और भी कुछ कंपनीज हैं जहाँ पे आप गवर्नमेंट की कंपनी से वहाँ पे आप काम कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको पोस्टिंग मिल सकता है, उसका भी सिलेबस बैंकिंग सिलेबस के साथ इक्वल ही है। तो उसके अलावा और एक आ जाता है आपका RBI, NABARD, SEBI एंड SIDBI, ये सारे भी आप देख लेंगे, तो यहाँ पे भी आपको वैकेंसीज निकलते हैं वही सेम सिलेबस में, बैंकिंग सिलेबस में आप यहाँ पे भी पोस्टिंग पा सकते हैं। तो ये सारे हो गए, मैंने बता दिया कि आप जब बैंकिंग सिलेबस के लिए प्रिपेयर करवा रहे हैं तो यहाँ पे इस सेक्टर में आपको जॉब करने होंगे। तो ये हो गया जॉब सेक्टर्स आपका बैंकिंग के लिए। तो अब हम चलते हैं SSC की ओर।
तो एसएससी का जॉब सेक्टर, जब एसएससी का एग्जाम आप क्रैक करेंगे, हमें मालूम है कि एसएससी में भी आपको दो तरह के एग्जाम होते हैं, एक होता है सीजीएल और एक होता है सीएचएसएल। तो ये जो दो होता है, यहाँ पे एग्जाम क्रैक करने के बाद आपको कौन से सेक्टर में आपको जॉब मिलेगा, हम गवर्नमेंट का बहुत सारे आपको मिलेंगे, मिनिस्ट्रीज मिलेंगे एंड डिफरेंट डिपार्टमेंट्स मिलेंगे, जैसे अकाउंट्स डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, तो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, जितने भी डिपार्टमेंट और स्ट्रेटेजी डिपार्टमेंट, ये सारे डिपार्टमेंट जितने भी गवर्नमेंट के ऑफिसेस हैं, हेडक्वार्टर्स हैं, वहाँ पे कुछ क्लरिकल एंड ऑफिसर के पोस्ट होते हैं, तो वहाँ पे आपको जॉब मिलेंगे। जैसे हो गया आपका डिफेंस के कुछ ऑफिसेस में मिलेंगे, या सीबीआई के ऑफिसेस में मिलेंगे आपको, इनकम टैक्स में, एक्साइज में एंड कुछ मेडिकल ऑफिसेस में एंड कुछ पुलिस वगैरह ऑफिसेस में, तो इस सारी जगह में आप उस वैकेंसीज मिलेंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के वैकेंसी से, तो वहां पे आपको जॉब करने होंगे एसएससी में। तो एसएससी के साथ मैं बता रहा था कि एसएससी एंड रेलवे एक ही सिलेबस होता है, तो रेलवे में तो आपको मालूम होगा, रेलवे ऑफिसेज में जितने भी रेलवे आपको स्टेशन से, वहां पे आपको कुछ वैकेंसीज मिलेंगे एंड कुछ रेलवे के जो ऑफिसेस होते हैं, हेडक्वार्टर्स होते हैं, वहां पे भी आपको कुछ वैकेंसीज मिलेंगे, आपको वहां पे भी पोस्टिंग मिल सकता है। उसके अलावा और भी बहुत कुछ एग्जाम आप दे सकते हैं एसएससी में, तो जहाँ पे आप स्टेट गवर्नमेंट का भी कुछ देखेंगे, तो स्टेट गवर्नमेंट के भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं जहाँ पे आपको वहाँ पे भी पोस्टिंग मिल सकता है। वहाँ पे और एक एग्जाम होता है स्टेट बोर्ड का, एसएससी का। तो आपको ये पता चल गया कि एसएससी में हमें सेंट्रल गवर्नमेंट के डिफरेंट मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट के हेडक्वार्टर्स एंड ऑफिसेस में आपको जॉब मिलने वाले हैं, और बैंकिंग में आपको बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल सेक्टर्स लाइक नाबार्ड, आरबीआई में भी आपको जॉब करने होंगे। तो ये हो गया आपका जॉब सेक्टर। आपका एम क्या होगा कि आप बैंकिंग ऑफिसेस में काम करें या कोई गवर्नमेंट के सेंट्रल ऑफिस में आप काम करें, तो उसके हिसाब से आप डिसीजन भी ले सकते हैं। अब हम दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं। दूसरा पॉइंट हो गया आपका सिलेबस कंपैरिजन। तो सिलेबस आपका क्या होगा बैंकिंग, एसएससी एंड रेलवे में? तो पहले मैं ये बता दूं कि बैंकिंग का सिलेबस एक अलग है एंड एसएससी एंड रेलवे का सिलेबस एक ही है। तो आप एसएससी एंड रेलवे एक साथ प्रिपेयर करवा सकते हैं अपने आप को, क्योंकि एक ही कोर्स में जाता है। तो पहले हम देखते थे बैंकिंग का क्या होता है सिलेबस, उसमें हम कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो बैंकिंग में हमारा बेसिक सब्जेक्ट हो गया मैथमेटिक्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश एंड जीके। तो ये चार चीजें होते हैं, यहाँ पे मैथमेटिक्स होता है, इंग्लिश होता है एंड रीजनिंग होता है एंड जीके। जीके में क्या होता है, यहाँ पे जीके में करेंट अफेयर्स हो जाते हैं एंड उसके साथ साथ बैंकिंग अवेयरनेस एंड फिनेंशियल अवेयरनेस। तो यहाँ पे जो जीके आता है, वहाँ पे आपको करेंट अफेयर्स मतलब करेंटली एग्जाम के बस एक साल के अंदर जितने भी कुछ न्यूजेस हैं, जहाँ भी जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसी सिलसिले में ही क्वेश्चंस आएंगे, उसी न्यूज में से ही आएंगे एंड उसके साथ साथ उस स्टैटिक जीके आएंगे एंड उसके साथ आपको बैंकिंग अवेयरनेस एंड फिनेंशियल अवेयरनेस के ऊपर की क्वेश्चंस आएंगे, तो वो सब के लिए आपको पढ़ना होगा। और मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या होगा, मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। मैथमेटिक्स का सिलेबस में आपको आ जाएगा बेसिक कैलकुलेशन से शुरू करके आपका परसेंटेज, एवरेज रेशियो, प्रॉफिट लॉस, एसआईसीआई, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी एंड मेंसुरेशन, साथ साथ डीआई, नंबर सीरीज एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इस तरह के सिलेबस यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये हो गया आपका मैथमेटिक्स का सिलेबस बैंकिंग में, इतना ही आपको पढ़ना है। यहाँ पे सब्जेक्ट में जाएंगे इंग्लिश का सिलेबस में हम देखेंगे कॉन्फ्रेंसिंग मतलब पैसेज आ जाएगा, सेंटेंस अरेंजमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स आ जाएंगे, क्लोज टेस्ट आ जाएंगे, इडियम्स, फ्रंट फ्रेज आ जाएंगे, एंटोनिम्स भी आ जाएंगे। तो ये सिलेबस इंग्लिश का आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो इंग्लिश में ये सब सिलेबस रहेगा यहाँ पे। एंड जीके मैंने तो ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जीके में आपको करेंट अफेयर्स रहेंगे, उसके साथ बैंकिंग अवेयरनेस एंड फिनेंशियल अवेयरनेस ही रहेंगे। तो आपको यहाँ पे जीके में हिस्ट्री, सिविक्स या पॉलिटिकल साइंस जैसे कोई भी सब्जेक्ट नहीं आएंगे। तो ये हो गया बैंकिंग का सिलेबस, मैथमेटिक्स मैंने बताया, रीजनिंग का बताया, इंग्लिश का बताया, जीके का बताया। तो बैंकिंग के बाद हम जब देखेंगे एसएससी एंड रेलवे का सिलेबस में, तो एसएससी एंड रेलवे का सिलेबस एक ही होता है, वहाँ पे आप देख सकते हैं मैथमेटिक्स रहेगा, वहाँ पे रीजनिंग रहेगा एंड इंग्लिश रहेगा एंड जीके रहेगा। तो यहाँ पे जीके की बात मैं बता दूँ पहले कि जीके में यहाँ पे आपको मिलेंगे हिस्ट्री, सिविक्स मतलब पॉलिटिकल साइंस एंड ज्योग्राफी एंड आपको मिलेंगे बेसिक साइंस मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड उसके साथ साथ इकोनॉमिक्स एंड उसके साथ साथ करेंट अफेयर्स भी रहेंगे। तो ज़्यादातर आपको हिस्ट्री, सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी एंड बेसिक साइंस कोर्सेज रहेंगे, उसके साथ साथ थोड़ा क्वेश्चन आपको करेंट अफेयर से भी आएंगे। तो इसका जीके में यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस आप समझ गए, तो बैंकिंग का जीके एंड एसएससी रेलवे का जीके में यही डिफरेंस होता है।
तब मैथमेटिक्स में जाएंगे तो मैथमेटिक्स में आपका सिलेबस क्या है एसएससी एंड रेलवे के लिए, तो यहाँ पे आपका सिलेबस में क्या होगा, बैंकिंग का सिलेबस में जो सारे सिलेबस थे उसी से कुछ ज़्यादा रहेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे भी हम देखेंगे तो यहाँ पे भी वही सिलेबस रहेंगे, मतलब बेसिक कैलकुलेशन, परसेंटेज, एवरेज, रेशियो, प्रॉफिट लॉस, एसआईसीआई, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, एंड उसके साथ साथ आपको पढ़ने होंगे नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, इक्वेशंस एंड ज्योमेट्री एंड ट्रिगोनोमेट्री, ये सारे चैप्टर आपको एक्स्ट्रा पढ़ने होंगे जो कि बैंकिंग एग्जाम में नहीं थे। उसके साथ साथ आपको मेंसुरेशन भी यहाँ पे मिलेंगे, बैंकिंग पे भी मेंसुरेशन पे। तो यहाँ पे मैं क्लियरली बता दूँ कि बैंकिंग का मैथमेटिक्स एंड एसएससी का मैथमेटिक्स में यही डिफरेंस होता है कि आपको एसएससी में एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने होंगे सब्जेक्ट, लाइक आपको चैप्टर्स मिलेंगे नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, इक्वेशंस, ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, ये सारी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा पढ़ने होंगे, ये सारे सब्जेक्ट चैप्टर्स मैथमेटिक्स में, बैंकिंग के मैथमेटिक्स में नहीं है। तो ये हो गया आपका मैथमेटिक्स सिलेबस, आप जान पाए कि यहाँ पे एसएस में थोड़ा आपको ज़्यादा मैथमेटिक्स पढ़ना होगा। दूसरा चीज़ आ गया रीजनिंग, रीजनिंग में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, आपको 70% सिलेबस आपको बैंकिंग एंड एसएस में सिमिलर ही मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको वही कोडिंग, डिकोडिंग, आपका सीरीज, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, यहाँ पे भी आपको मिलेंगे, यहाँ पे छोटे छोटे पजल भी मिलेंगे। तो यहाँ पे भी वही कम ही कोर्स है, आपको यहाँ पे थोड़ा कैलेंडर, टाइम एंड क्लॉक का कुछ, एंड क्यूब एंड डाइस के भी कुछ क्वेश्चन ज़्यादा मिलेंगे जो कि बैंकिंग एग्जाम में नहीं होते हैं, तो सिलेबस यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। तो ये हो गया आपका एसएससी का रीजनिंग। इंग्लिश में ज़्यादातर कुछ डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे भी आपको कंप्रेंसिव मतलब पैसेज मिलेंगे, एंटोनिम सिनोनिम्स भी मिलेंगे, एंड यहाँ पे सेंटेंस अरेंजमेंट, सेंटेंस फिलअप एंड क्लोज टेस्ट वगैरह भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो ग्रामर के साथ साथ कंप्रेंसिव भी यहाँ पे मिलेंगे। तो इंग्लिश में ज़्यादातर आपको सेम ही मिलेंगे इंग्लिश का सिलेबस, मतलब 70-80% यहाँ पे भी सिमिलर है बैंकिंग के साथ। तो जीके में तो ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जीके में आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, बेसिक साइंस एंड इकोनॉमिक्स पढ़ने होंगे विद करंट अफेयर्स। तो यहाँ पे जीके का एंड मैथमेटिक्स सिलेबस थोड़ा ज़्यादा है। तो ये हो गया आपका सिलेबस का कंपैरिजन। तो आप में यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कि 70% सिलेबस दोनों में सेम होते हैं, थोड़ा 30% यहाँ पे थोड़ा अलग होता है, यहाँ पे थोड़ा अलग होता है। तो यहाँ पे 30% के लिए आप टाइम निकाल सकते हैं, ये आप पे ऊपर डिपेंड करता है, बाद में बात करेंगे इसके बारे में। अब हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो एग्जाम जो हम देंगे उसका इसका पैटर्न कैसा रहेगा, तो बैंकिंग में एंड एसएससी में, रेलवे में आपको एग्जाम का पैटर्न किस तरह से रहेंगे। तो हमें मालूम है कि बैंकिंग एग्जाम में क्या होता है, आपको हर एक एग्जाम में आपको एटलीस्ट दो लेवल में आपको एग्जाम देने होंगे। एक होता है प्रीलिम टेस्ट, फिर होता है मेन टेस्ट। अगर आप ऑफिसर के लिए पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब आपको एक इंटरव्यू की भी राउंड रहेगा। तो 3 राउंड्स हो जाएंगे ऑफिसर लेवल में, एंड क्लरिकल लेवल में आपको 2 राउंड रहेंगे। एंड यहाँ पे आपको जो एग्जाम्स रहेंगे तो वहाँ पे प्रीलिम लेवल जो रहेंगे, प्रीलिम का जो एग्जाम होगा वो इजी लेवल का होगा, वहाँ पे क्वेश्चंस इजी रहेंगे, एंड मेन एग्जाम पे आपका क्वेश्चंस टफ रहेंगे। फिर बाद में आप इंटरव्यू फेस कर सकते हैं या ऑफिसर के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। तो वैसे ही वहाँ पे एसएससी में हम चले जाएं तो एसएससी पे भी आपको एग्जाम जब देखेंगे तो वहाँ पे सीएचएस हो गया कि सीजीएल हो गया, वहाँ पे भी आपको मिनिमम 2 टायर्स में एग्जाम देने होंगे। मतलब वहाँ पे भी एक प्रीलिम एग्जाम होगा जो भी वहाँ पे क्वेश्चन ज़्यादातर इजी रहते हैं, एंड मेन एग्जाम जो होता है वहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन टफ रहते हैं। एंड यहाँ पे भी कुछ एग्जाम के लिए आपको वाइवा बोस या मतलब इंटरव्यू देने की जरूरत होता है कुछ पोजिशन के लिए। एंड रेलवे में भी उसी तरह आपको 2 एग्जाम्स मिलेंगे, एक प्रीलिम लेवल के और एक मेन रहेगा। फिर बाद में कुछ पोस्ट के लिए आपको सारे पोस्ट के लिए आपको वाइवा बोस या इंटरव्यू नहीं रहेंगे, कुछ पोस्ट के लिए आपको वाइवा बोस या इंटरव्यू रहेंगे या स्किल टेस्ट रहेंगे। तो इस तरह से आप देखेंगे तो हर एक एग्जाम में आपके डिफरेंट नंबर ऑफ क्वेश्चन टाइमिंग डिफरेंट होते हैं, तो उसके बारे में आपको अभी कोई जानकारी लेना जरूरी नहीं है। आपको बस यही जानना है कि यहाँ पे भी आपको मिनिमम 2 टेस्ट देने होंगे। अगर बड़ा पोस्ट मतलब ऑफिसर पोस्ट के लिए अप्लाई करें तो वहाँ पे इंटरव्यू या वाइवा बोस रह सकता है। तो ये बड़ा इशू नहीं है प्रीलिम एग्जाम में, यहाँ पे बैंकिंग में भी इजी क्वेश्चन रहते हैं, एसएससी में भी इजी क्वेश्चन रहते हैं, मेन में ही बैंकिंग हो या एसएससी और रेलवे थोड़ा टफ क्वेश्चन रहते हैं। तो वहाँ पे एग्जाम जो टफ रहता है वहाँ पे कट ऑफ मार्क्स भी बहुत कम ही जाता है, क्योंकि जब क्वेश्चन टफ हो जाएगा तो वहाँ पे आपको स्कोर भी कम करना होगा, तो भी आप एग्जाम क्रैक भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं इतना कि ज़्यादा स्कोर करना ऐसा कुछ मतलब नहीं है। तो ये हो गया आपका एग्जाम पैटर्न, यहाँ पे हम देख सकते हैं एग्जाम पैटर्न इस तरह का है। फिर हम आगे चलते हैं, जो 4th पॉइंट हो गया आपका वैकेंसीज पर ईयर।
हर साल कितना वैकेंसीज आ जाते हैं बैंकिंग में या एसएससी में या रेलवे में, तो इससे भी आप डिसीजन ले सकते हैं कि आप कौन से एग्जाम के लिए क्रैक करेंगे, तो आपका प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगा, पॉसिबिलिटी ज्यादा होगा आप एग्जाम क्रैक कर पाए। तो यहाँ पे मैं पहले बता दूं कि बैंकिंग एग्जाम के लिए मैंने ऑलरेडी बता चुका था, बैंकिंग एग्जाम में आपका 3 पोस्ट के लिए एग्जाम होते हैं। तो यहाँ पे जो 3 एग्जाम होते हैं वहाँ पे एक क्लरिकल होता है और एक ऑफिसर, ये जो 2 एग्जाम होते हैं इनके लिए आपको मिनिमम ग्रेजुएशन कंप्लीट करना होता है। बाकी जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर का एग्जाम होता है उसके लिए आपको स्पेशलाइज्ड कोर्स लाइक कि एमबीए या बीटेक इस तरह का कुछ आपको स्पेशलाइज्ड सिलेबस कोर्स कोई करना होना चाहिए होता है। तो आप ऐसा कोई क्वालिफिकेशन आपको होता है तो आप वो एग्जाम के लिए ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो आप क्लरिकल एंड पीयू के लिए ट्राई कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे तो वैकेंसी जब होता है तो बैंकिंग में मैंने बताया था कि जो 12 बैंक्स होते हैं, नेशनलाइज्ड बैंक जो आईपीएस का एग्जाम बनाता है, फिर और एक होता है एसबीआई का एग्जाम, और होता है आरआरबी, और एक होता है आईपीबीबी, और एक होता है फाइनेंशियल सेक्टर लाइक आरबीआई, नाबार्ड, सीबी एंड सेबी, तो ये एंड इंश्योरेंस, ये सारे का एग्जाम का पोस्टिंग वैकेंसी हम ऐड कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे दिखा लेता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे 2018-19 में कितने वैकेंसीज आए थे। तो आईपीएस का हम 2 साल में देख रहे हैं 18 और 19 में कि लगभग 4,200 के आसपास ही आपका वैकेंसी आ रहे हैं ऑफिसर के। क्लरिकल में मैं दिखा रहा हूँ 18 में आपका 12,000 का पोस्ट लगभग था। हमारा जो एसबीआई, आईबीपीएस और इंश्योरेंस और आरबीआई, नाबार्ड, ये सारे को हम ऐड कर लेंगे तो लगभग हमारा 20,000 प्लस का वैकेंसीज हम 2018 और 19 में आए थे। तो उससे पहले और भी आ रहे थे, थोड़ा कम हो चुका है, पहले और भी ज़्यादा थे वैकेंसीज। अब इस साल हम देखेंगे 18-19 में 20 तो बहुत कम है, वो तो कोरोना की वजह से की और डिफरेंट रीजन होगा और अलग बात है, पर मैं 18-19 की बात करूँ तो आपको आईपीएस पीओ का देखिए 4,000 के आसपास है, एसबीआई पीओ का आप देख सकते हैं 2,000 ईच है, एंड आईपीएस क्लर्क का 2018 में देख सकते हैं 12,000 का पोस्ट है, एंड एलआईसी का आप 9,000 का पोस्ट देख सकते हैं। तो इस हिसाब से हम सारे को ऐड करेंगे तो ऑलमोस्ट 20,000 क्रॉस कर रहा है वैकेंसीज पर ईयर। तो इस हिसाब से एसएससी की तरफ हम चले तो एसएससी में आप जब वैकेंसी ट्राई करेंगे तो वहाँ पे आप देख सकते हैं एक वैकेंसी 2018 में आपको लगभग 8,000 से 9,000 का वैकेंसी था सीजल में, तो सीजल में भी आपको इस तरह से कुछ 2,000-3,000 वैकेंसीज थे, एंड बाकी रेलवे का वैकेंसीज ऐड करेंगे तो इस तरह से ऐड करेंगे तो यहाँ पे भी आपको लगभग 20,000 के पोस्ट यहाँ पे भी 2018 और 19 में एवरेज 20,000 के पोस्ट एसएससी एंड रेलवे के में आए थे। रेलवे का तो एग्जाम का आपको सही ठिकाना हमारे पास नहीं है, वहाँ पे वैकेंसी सही तरह से ईयरली नहीं निकलते हैं ठीक से, तो वहाँ पे मैंने ये ऐड नहीं किया, तो पूरा ऐड कर लेंगे तो ज़्यादा हो ही सकता है। तो ये हो गया आपका वैकेंसी पर ईयर कितने निकलते हैं, मैंने यहाँ पे दिखाया लास्ट 2 ईयर्स का, तो इस साल क्या होगा, अगले साल क्या होगा मैं ये तो बता नहीं पाऊंगा, फिर भी मैं लास्ट 2 ईयर का स्टडीज आपको दिखा रहा हूँ। तो वैकेंसी लगभग आपको इक्वल ही दिख रहा है अभी फिलहाल। तो आगे चलते हैं, जो फाइनल चीज़ है हमें डिसाइड करने के लिए हो गया आपका सैलरी एंड पोस्टिंग, कहाँ पे हमें पोस्टिंग मिलेगा, मतलब कौन से एरिया में पोस्टिंग मिल सकता है एंड सैलरी कितना बनेगा। तो पहले हम बैंकिंग की बात करते हैं, तो बैंकिंग में हमारा 3 सेक्टर का जो पोजीशन का है मैं बता रहा था कि क्लरिकल का एंड पीओ का एंड एसओ, मतलब स्पेशलिस्ट ऑफिसर का। तो ऑफिसर जो होते हैं पीओ एंड एसओ लगभग इक्वल होते हैं, तो उससे पहले मैं क्लरिकल की बात करूँ, क्लरिकल में आपको पूरा डेटा नहीं दिखा रहा हूं, बस आपको लगभग अप्रोक्सीमेटली सैलरी बताऊंगा, क्योंकि हर एक बैंक का थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होता है, इंश्योरेंस में, एसबीआई में, सारे क्लर्क में थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। तो यहाँ पे मैं पहले बता दूँ कि आपको आईबीपीएस के जो अंडर में जो 12 बैंक्स के लिए एग्जाम होते हैं वहाँ पे आपको लगभग 20,000 से 22,000 का सैलरी आ जाएगा, तो 22,000 तक आपको सैलरी मिलेगा क्लरिकल लेवल में। तो उसमें एसबीआई क्लर्क का थोड़ा उससे ज़्यादा हो सकता है, एंड आपको आरबीआई का जो क्लर्क निकलेगा वहाँ पे थोड़ा और ज़्यादा हो सकता है। तो ये मैं एवरेज बताया, मिनिमम आपको 22,000 का सैलरी मिल जाएगा, एंड आप क्लरिकल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको उसी स्टेट में ही आपको वैकेंसी का पोस्टिंग मिलेगा जहाँ पे अप्लाई किए थे, तो इस तरह की आपको पोस्टिंग मिल गई। ऑफिसर लेवल में आपको सैलरी बैंकिंग एग्जाम पे देखें तो आईबीपीएस के अंडर में जो 12 बैंक्स हैं उनके जो एग्जाम होते हैं वहाँ पे आप क्रैक कर लेते हैं तो आपको पीओ ऑफिसर में आपको अराउंड 35,000 की सैलरी आ जाएगा, 35 से लगभग ज़्यादा थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि डिफरेंट बैंक है थोड़ा कम बेस ज़्यादा है, इसलिए मैं पूरा डिटेल्स नहीं बता रहा हूँ, लग एवरेज बता रहा हूँ 35,000। हाँ, एसबीआई पीओ की बात करें तो उनका ऑफिसर का एग्जाम का उसका जो होता है तो वहाँ पे आपको सैलरी थोड़ा ज़्यादा आएगा, अराउंड मिनिमम 40,000 शुरू होता है, तो एरिया के हिसाब से चेंजेस होते हैं, आपको मेट्रो सिटी में मिल जाएंगे तो वहाँ पे आपको सैलरी 60,000 to 80,000 भी हो सकता है ऑफिसर लेवल में। पर हम आईबीपीएस की बात करें तो 12 बैंक की जो बात करें तो वहाँ पे आपको मिनिमम 35,000 की सैलरी आ जाएगा।
एंड पोस्टिंग ऑफिसर लेवल में आपको कोई भी स्टेट में मिल सकता है ऑल इंडिया बेसिस में, वो आप पे उनके ऊपर डिपेंड करता है वो आपको कहाँ पे पोस्टिंग दे। तो ये हो गया आपका बैंकिंग के बारे में, मैंने बता दिया। यहाँ पे एसएससी के बारे में, एसएससी में हमें मिलेगा लोअर डिवीजन क्लर्क, कुछ क्लर्क के पोस्ट मिलेंगे, कुछ ऑफिसर के पोस्ट मिलेंगे, कुछ हायर में। तो जब क्लरिकल पोस्ट में आपको वैकेंसी में पोस्टिंग हुआ है तो उसके हिसाब से आपको सैलरी वहाँ पे भी वही 20+ थाउजेंड मिलेंगे, 20, 22, 24, 26 थाउजेंड तक की आपकी सैलरी रेंज बनता है वहाँ पे। तो वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर के हिसाब से आप सैलरी होता है, तो आप पकड़ लीजिए कि 20 to 26 थाउजेंड की सैलरी का रेंज रहेगा क्लरिकल पोस्ट में। एंड वहाँ पे भी ऑफिसर की जो थोड़ा हायर पोस्ट में आपको मिल जाता है तो वहाँ पे भी आपको 30 थाउजेंड अराउंड का आपका सैलरी आ जाएगा। तो वहाँ पे आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से सैलरी मिल रहा है, तो वहाँ पे आपका इंक्रीमेंट्स तो बनता रहेगा, जैसे बैंकिंग में भी इंक्रीमेंट होता है तो यहाँ पे भी इंक्रीमेंट्स बनते रहेंगे। तो ये बस जनरल आइडिया है कि आपको एसएससी में ऑफिसर लेवल में तो आप जितना रैंक ज़्यादा रहेगा ना आपको एग्जाम में, तो उतना आपको ज़्यादा अच्छा पोस्ट मिलेगा, तो वहाँ पे थोड़ा सैलरी ज़्यादा मिल सकता, तो 30,000 से थोड़ा ज़्यादा मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे लगभग देख सकते हैं कि बैंकिंग में क्लरिकल में भी वो 22,000 के आसपास रहेगा, तो एसएससी में वही है, एंड ऑफिसर में बैंकिंग में 35,000 के आसपास, तो यहाँ पे भी उस तरह का आसपास ही है 30,000 के आसपास। तो सैलरी में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे भी आपको पोस्टिंग को प्रेफरेंस आपको अपने स्टेट में ही मिल सकता है एंड दूसरे स्टेट में भी मिल सकता है। तो पहले तो आपको अपने स्टेट में ही मिलने का ट्राई करते हैं कुछ अपना आपको रैंक के हिसाब से, तो फिर बाद में आप अलग स्टेट में भी आपको मिल सकता है। तो ये हो गया सैलरी एंड पोस्टिंग में बेसिक डिटेल्स आपको मिल गए यहाँ पे कि कितना सैलरी आ सकता है आपको। अब ये बात आ गया कि अभी हम कैसे डिसाइड करें कि हम कौन से एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करवाएं अपने आप को। तो ये सब जानने के बाद आप खुद डिसाइड कर पाएंगे कि आपको कौन से एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना होगा। पहला चीज़ मैंने बताया था कि जॉब सेक्टर, पहले आप डिसाइड कर लें कि आपको कौन से सेक्टर में जॉब करना है। आपको अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने ऑफिसर्स मैंने बताया था कि वहाँ पे जॉब करना है, जैसे हो गया मैंने बताया इनकम टैक्स, एक्साइज ऑफिस की, सीबीआई ऑफिस की, मेडिकल ऑफिस हो गया कि अकाउंट ऑफिस में, जहाँ पे भी जॉब करना है, तो उस सिलसिले में आपको रेलवे में जॉब करना है, तो एसएससी रेलवे के लिए आपको प्रिपेयर करवाना होगा। अगर आपको कोई इशू नहीं है, बस आपको एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो ऐसा कोई नहीं कि आपको इस तरह से चाहिए, तो इस हिसाब से आप बैंकिंग, एसएससी कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, मतलब आप कंबाइनली प्रिपेयर कर सकते हैं, बस आपको एक जॉब चाहिए हो। तो ये हो गया, इस हिसाब से देखेंगे तो आपको दोनों ट्राई कर सकते हैं। और किसी को एक ही एरिया में जॉब करना है, जो उनका एम होगा कि मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब ऑफिस में ही जॉब करना है, तो आप उस तरह से एसएससी या रेलवे के लिए प्रिपेयर करवा सकते हैं। ये हो गया जॉब सेक्टर बेसिस में। दूसरा चीज़ आ जाता है कि आपका सिलेबस के हिसाब से, तो आप खुद को कितना स्ट्रांग दिखाते हैं कि आपको प्रिपेयर करवाने के लिए, आप कितने सब्जेक्ट में स्ट्रांग है, तो उस हिसाब से भी आपको प्रिपेयर करवा सकते हैं। आप कितना स्ट्रांग है स्टडीज़ में, आपका कितना फास्टनेस है पढ़ाई में, आप कितना पढ़ सकते हैं, ज़्यादा पढ़ सकते हैं, आपका क्वालिटी कितना है पढ़ाई का, तो उस हिसाब से हम देखेंगे। तो आप जब पढ़ाई में अच्छे हैं तो आप टाइम दे सकते हैं ज़्यादातर, तो आप दोनों के लिए भी प्रिपेयर करवा सकते हैं अपने आप को। पर एक चीज़ ये मैं ज़रूर बता दूँ कि आप कितना टाइम दे सकते हैं अपने आप को पढ़ाई के लिए। आप हर दिन 6 घंटा अपने आप को निकाल सकते हैं पढ़ाई के लिए, तो इसका मतलब आप कोई एक ही एग्ज़ाम चूज़ कीजिए, आइदर बैंकिंग या एसएससी रेलवे। अगर आप डेली आप 8 to 10 आवर्स टाइम दे सकते हैं, तो आप कंबाइनली भी प्रिपेयर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड तीसरी बात ये आ गया आपको चूज़ करने के लिए कि आपका स्ट्रांग पार्ट, मतलब कोई कौन सा सब्जेक्ट में आपका स्ट्रेंथ या पकड़ मजबूत है, मतलब आपका जीके में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट है, आपका जीके ज़्यादा पढ़ लेते हैं, आपको इंटरेस्ट वहाँ पे ज़्यादा है, आपका पकड़ वहाँ पे मजबूत है, तो आप एसएससी रेलवे की तरफ ढोल सकते हैं, वहाँ पे डाइवर्ट हो सकते हैं। पर आपका ऐसा कुछ नहीं है कि आप मैथमेटिक्स में या इंग्लिश में ज़्यादा स्ट्रांग है, तो ये भी आपको बैंकिंग में ज़्यादा हेल्प करेगा वहाँ पे। तो यहाँ पे भी डिसाइड करना है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा स्ट्रेंथ है एंड कौन सा सब्जेक्ट को आपको फिर स्ट्रेंथ बनाना होगा। ऐसा नहीं कि आप जो स्ट्रेंथ नहीं है उसको नहीं पकड़ना है, नहीं, जो स्ट्रेंथ नहीं है उसे भी आपको स्ट्रेंथ बनाना ही होगा। पर पहले आप पहले टाइम सेट कर लीजिए कि आपके पास पर डे कितना आवर्स है। आप 6 घंटा दे सकते हैं पढ़ाई के लिए तो एक ही सेक्टर चूज़ कीजिए, आप 8 to 10 घंटा दे सकते हैं तो आप दोनों सेक्टर के लिए चूज़ करते हैं, मतलब कंबाइनली बैंकिंग एसएससी रेलवे के लिए प्रिपेयर करवा सकते हैं। तो इनिशियली आप कोई एक ही सब्जेक्ट के लिए, मतलब एक ही कोर्स के लिए स्टार्ट कीजिए। जब आप स्लो महसूस कर रहे हैं, आपको थोड़ा वीक महसूस कर रहे हैं, तो आप कोई एक ही पार्ट शुरू कीजिए। आप जीके में स्ट्रांग हैं तो आप एसएससी या रेलवे के लिए शुरू कीजिए, बाद में आपको कंफर्टेबल लगे तो फिर बैंकिंग बाद में आप ऐड कर सकते हैं अपने आप को।
या आप थोड़ा मैथमेटिक्स में स्ट्रांग है एंड इंग्लिश स्ट्रांग है तो आप बैंकिंग में आ सकते हैं। आप पहले बैंकिंग में शुरू कीजिए, जब वहाँ पे कंफर्टेबल फील करेंगे, वहाँ पे थोड़ा आपको स्ट्रेंथ आ जाएगा, तो फिर बाद में आप एसएससी को भी जोड़ सकते हैं। क्योंकि मैंने बताया था कि बैंकिंग, एसएससी, रेलवे में कॉमनली आप 70 कोर्सेज सेम ही पाएंगे, बस 30% ही एक्स्ट्रा पढ़ना है। इसलिए मैंने बताया था कि 2 घंटा और आप दे सकते हैं एक्स्ट्रा, तो आप कंबाइनली प्रिपेयर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप सोच लीजिए। मैंने आपको बता दिया कि ये सारे पॉइंट्स हैं आपको डिसीजन लेने के लिए, तो इस हिसाब से आप आराम से डिसीजन ले पाएंगे कि आपको कौन से एग्जाम के लिए प्रिपेयर करवाना होगा अपने आप को। तो ये सारे पॉइंट्स से आप जरूर अपने आप को अभी डिसाइड कर सकते हैं। तो ये था मेरा वीडियो आज के लिए आपके लिए, कि आप कैसे अपने आप को प्रिपेयर करवाएं, डिसीजन ले लें, लेकिन ठीक डिसीजन कैसे लें कि अपने आप को किस लाइन पे लेना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो जरूर कमेंट कीजिएगा, और क्या क्या आप डाउट्स इसके बारे में बताएंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में और एक वीडियो लाऊंगा कि स्ट्रैटेजी आप पढ़ाई करेंगे, आप बैंकिंग में पढ़ाई कर रहे हैं या एसएससी में या रेलवे, तो उसमें किस स्ट्रैटेजी से आप किस स्टडी प्लान करेंगे, तो इसको फिर से आप बताऊंगा। थोड़ा मुझे कमेंट में बताइए क्या क्या आपको डाउट्स हैं, तो मैं फिर आपको और एक वीडियो में जरूर वो वाला डाउट क्लियर कर लूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।